हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एच टेक में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A30, A51, A70, A50, A30 जितने भी एस सीरीज़ के मॉडल हैं उसके अंदर मल्टी विंडो का यूज़ कैसे करें, कैसे आप एट ए टाइम में टू और मोर ऐप वन टाइम में चला पाएंगे अपने मोबाइल में, तो कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे उस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों आगे। मल्टी विंडो यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई भी आपको जो ऐप को मल्टी विंडो करना है पहले तो उसको खोल लीजिए। लाइक मुझे, मैंने क्रोम को खोल लिया है। क्रोम को खोलने के बाद ये मेरा एक यूट्यूब का पेज खुल जाएगा, ट्रेंडिंग का कोई सा भी एक, इसमें मैं पेज खोल के रख लेता हूँ। लाइक मैंने ये पेज खोल के रख लिया। पेज खोलने के बाद मैं उसको कर देता हूँ नॉर्मली। या आपको कोई सी भी ऐप खोल सकते हैं, ना ही गूगल क्रोम नहीं, कोई सी भी ऐप को जिसको आपको मल्टी विंडो करना है, तो उसको करने के बाद उसको कर लीजिए नीचे, मतलब रिसेंट के उसको बैक बैक उस पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको ऊपर की तरफ लेना है। तो आपको यहाँ पर ये जो क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, जो आइकन बना रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ऐसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो आप इसको कर लीजिए ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, एक दूसरी ऐप खोलनी है जो कि स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है। लाइक मैंने यहाँ व्हाट्सएप खोल लिया, तो आप ये देखेंगे दोनों एट ए टाइम यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। अब दोनों यहाँ पर चल रहे हैं आराम से, इजीली मैं इसको चला पा रहा हूँ। मल्टी विंडो इजीली इसको चला रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ ऊपर या नीचे, जैसा मैं चाहूँ वहाँ से उसको एडजस्ट करना चाहूँ। आप चाहते हैं और भी खोलना चाहते हैं तो लाइक मैं अभी यहाँ से खोल लेता हूँ एक, लाइक यूट्यूब खोलता हूँ। अभी यूट्यूब आ चुका है। यूट्यूब आने के बाद अब मैं नीचे जाता हूँ, एक मिनट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक ओपन ओपर ऑप्शन मिल रहा है, ओपन इन पॉपअप व्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप व्यू में आ जाएगा और ये वहाँ पर एक बैक स्क्रीन अलग से चलती रहेगी। ये आप इसको पॉपअप स्क्रीन पे चला सकते हैं एंड देन आप ये तीन मल्टी विंडो एक साथ तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरा ऊपर ऊपर या यूट्यूब चला रहा हूँ या वेब ब्राउजर चला रहा हूँ, नीचे यूट्यूब ऐप चल रही है। यहाँ पर आप चाहे तो कोई सी वीडियो प्ले कर सकते हैं एंड वीडियो भी प्ले होता रहेगा और ऊपर भी चलता रहेगा। लाइक जैसे मैं अपनी यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। लाइक ये मेरी रिसेंट की वीडियो है तो मैंने इसको प्ले कर दिया। प्ले करने के बाद आप देखेंगे अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठे वर्क करेंगी। आप देख रहे हैं मैं इसको भी चला सकता हूँ, इसको भी चला सकता हूँ, देन इसको भी चला सकता हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये नीचे चल रही है, मैं इसकी पहले तो वॉल्यूम कम कर देता हूँ। वॉल्यूम कर देता हूँ कम, मैं वॉल्यूम कर दी पूरी कम। आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये तीनों चीज़ें मेरी एट ए टाइम चल रही हैं, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ एंड बहुत कुछ चला सकता हूँ। तो ये है मल्टी विंडो। तो इस मल्टी विंडो को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैंने बताया दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और मैंने इसकी एक वीडियो सैमसंग की अपडेट की एक वीडियो लेटेस्ट फीचर की एंड्रॉइड 10 की वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके ज़रूर वो भी ज़रूर देखें दोस्तों। तो थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, सजेशन ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।